starting with the precious and the most beneficial name of Allah. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, you are listening to Malik Shahzaib, and in this video hum kleene's theorem ka part 2 padhenge. Theek hai, kleene's theorem ka part 2 kya kehta hai ki har nfa ko hum dfa mein convert kar sakte hain. Ye kleene theorem part 2 hai. Theek hai, so is video mein humne kya seekhna hai phir ki hum ek nfa ko dfa mein kaise convert kar sakte hain. So chalein start karte hain. Acha, suppose karein ki hame question mein jo given nfa hai, theek hai, wo ye hai aapke samne bana hua hai, ye hame usne nfa diya hai aur ye hame kehta hai ki aapne isko dfa mein convert karna hai. To convert karne ke liye hum kya kaam karenge, hum transition table bana lete hain. Transition table banane ke liye sabse pehle to hum ye jo isme dekh sakte hain kitni states hain aapne ye count karna hai. Teen states hain. First step aapka kya hai ki aapne states ko count karna hai. Theek hai, to ye aap dekh sakte hain ki first step kya tha mera, ki maine states ko count karna tha. States ko count kiya, x1 x2 aur x3 aur unko name de diye. Theek hai, ye aapka first step ho gaya. Second step aapne kya kaam karna hai, aapne is nfa ka transition table banana hai. ठीक है, और लास्ट में ट्रांजिशन टेबल से आपने डीएफए बना लेना है. अब ये ट्रांजिशन टेबल क्या होता है, ट्रांजिशन टेबल एक टेबल होता है, ठीक है, जो कि आपकी डायग्राम होती है. जैसे इसने एनएफए दिया है, इसको ये कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर देता है. ठीक है, ये भी मैं बना के आपको बताता हूँ किस तरह होता है ट्रांजिशन टेबल. तो चलें ट्रांजिशन टेबल स्टेप 2 पे आते हैं. तो ये हमारा है ट्रांजिशन टेबल. इसके तीन कॉलम्स होते हैं, एक ओल्ड स्टेट का कॉलम होता है, ठीक है, और एक जो इसके अल्फ़ाबेट्स होते हैं. इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं, एक बी यूज़ हो रहा है और एक ए यूज़ हो रहा है, दो ही अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने एक यहाँ पे ए लिखा और एक यहाँ पे बी लिख लिया. ये हमने पहले भी बनाया था ट्रांजिशन टेबल, जब हमने डी एफ ए का दो डी एफ एस दिए गए थे उसका हमने यूनियन लिया था. तो अब हम NFA को DFA में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांजिशन टेबल बना रहे हैं. तो कहने का मकसद ये है कि इसके तीन कॉलम्स होंगे, एक ओल्ड स्टेट का, एक A और एक B का. ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि जहाँ से हमारी मशीन स्टार्ट होती है ना, हम वो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं अपने पास. तो देखिए हमारी मशीन कहाँ से स्टार्ट हो रही है. आपको पता है NFA हो या DFA हो, इनिशियल स्टेट एक ही होती है, वो हमेशा x1 होगी. तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अपनी पहली स्टेट ले लेनी है x1. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे x1 लिख ली है और हमने इसको न्यू नेम देना है z1. ठीक है, न्यू नेम हमेशा हम देंगे स्टेट्स को. तो सबसे पहले x1 था, अब हम ये देखेंगे अपनी सार्ट डायग्राम को जो हमें गिवन है और फिर ट्रांजिशन टेबल में लिखेंगे. अब देखिए x1 से अगर a को रीड करें तो हम कहाँ पर जाते हैं, डायग्राम से पता चलेगा. ये x1 था, यहाँ से आप a को रीड करें तो आप कहीं पर भी नहीं जा रहे. x1 से a का एरो है ही नहीं इसमें, तो इसका मतलब है कि आप इसमें क्या लिखेंगे कि x1 से अगर हम a को रीड करें तो उसका कोई एरो ही नहीं बनता, किसी स्टेट पर जाता ही नहीं है. तो उसके लिए हम एम्प्टी स्टेट इधर लिखेंगे, नल लिखेंगे. तो ये हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं नल स्टेट का एक सिंबल बना दिया है. ठीक है, और वो किस पर आ जाएगा, ये एक नई स्टेट आ गई है ना हमारे पास Z2 के नाम से. तो जो भी नई स्टेट बनेगी उसको मैं नया Z का नाम दूंगा. ठीक है, तो Z2 फिर मैंने यहाँ पे लिखना है क्योंकि ओल्ड स्टेट में ये नई थी, न्यू थी. तो अब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं. तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर Z2 की स्टेट को ऐड कर दिया क्योंकि ये न्यू बनी थी. अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं x1 से अगर b को रीड करें तो यहाँ पर आकर देखते हैं, x1 था, इससे b को रीड करें तो हमारे पास देखें क्या आता है. सबसे पहले x1 से b को रीड करें तो x1 आता है, उसके अलावा x1 से b को रीड करें तो x2 भी आता है, दो आ रहे हैं. तो यहाँ पे फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, x1 भी लिखना पड़ेगा और x2 भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि x1 से b को रीड करते हैं तो x1 आ रहा है, x1 हो गया, और x1 से b को रीड करें तो x2 आता है. तो क्या स्टेट बनेगी, x1 x2. इसलिए मैंने यहाँ पर x1 x2 लिख दिया, और ये पहले स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, x1 x2 यहाँ पर नहीं था, तो इसलिए अब मुझे इसको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा.
अच्छा अब ये हमारे पास एक्स वन की कंप्लीट हो गई, अब नल स्टेट से आते हैं। देखिए नल स्टेट तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, तो नल स्टेट से जो ऐसी स्टेट जो है ही नहीं उससे ए को रीड करेंगे और हम कहीं पे भी नहीं पहुंचेंगे, और बी को भी रीड करेंगे कहीं पे भी नहीं पहुंचेंगे, तो उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए यही रिपीट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस स्टेट्स इसके लिए मैंने यहाँ पर जेड टू लिख दिया और जेड टू यही वाला यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि ये स्टेट हमारी डायग्राम में है ही नहीं। अब आते हैं अपनी थर्ड वाली की तरफ, जेड थ्री की तरफ। अब देखना हमें ये है कि एक्स वन से ए को रीड करें तो कहाँ पर आता है, एक्स वन से तो ए देखें रीड ही नहीं होता, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर नल लिखना पड़ेगा। तो ये लें यहाँ पर मैंने नल लिख दिया। अब एक्स टू की बारी है, एक्स टू से अगर ए को रीड करें तो किसके इक्वल आएगा, एक्स टू से देखें ए, एक्स टू से भी ए रीड नहीं होता, तो उससे भी आपको यहाँ पर नल लिखना पड़ेगा, ठीक है। x2 से भी रीड करें तो x2 से भी a रीड नहीं होता, उसके लिए भी हमने यहाँ पे null लिख दिया। तो null null 0 होता है, मतलब 0 के इक्वल होता है, तो ये भी यहाँ पे null आ जाएगा। और null आप देख सकते हैं कौन सी स्टेट है हमारे पास पुरानी, इसका नाम क्या था, z2, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे z2 लिख दिया। अब हम आते हैं यहाँ पर x1 से अगर b को रीड करें तो क्या आएगा, x1 ये था मेरा, इससे b को रीड करता हूँ, देखें क्या आएगा, x1 आएगा एक, इस b को रीड करते हुए x1 आ गया, और x1 से अगर मैं इस b को रीड करूँ तो x2 आता है, तो क्या आ गया, x1 और x2, ठीक है। और अब इस x2 से हम रीड करते हैं इसको b को, x2 ये था, इससे b को रीड किया तो x3 आ गया, ठीक है, और x2 से जब b को ये वाला b भी रीड हो रहा है, x1 आ जाएगा, तो दो आ रहे हैं x1 और x3, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं x1 इसमें पहले का लिखा हुआ है, तो जो पहले का लिखा हुआ है उसको रिपीट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर फिर क्या लिखना पड़ेगा, x3 लिखना पड़ेगा। और हमने इसको z4 का नाम दे दिया क्योंकि ये एक नई स्टेट बनी थी, हमारे पास पुरानी स्टेट्स में नहीं थी, तो नई स्टेट बनी है इसलिए हमें इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो भी नई स्टेट बनती है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, तो ठीक है। तो इस स्टेट को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसको रीड करेंगे, x1 से अगर हम a को रीड करें, x1 से तो देखें a बनता ही नहीं है, तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, null, और x2 से अगर a को रीड करें तो x2 से a भी रीड नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी null लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर। x3 से अगर a को रीड करें तो x3 ये है, इससे a को रीड किया तो क्या आ जाएगा, x3, ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया, x1 से हमने रीड किया था null आया था, x2 से रीड किया था फिर भी null आया था, और x3 से हमने a को रीड किया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे x3 आया था, तो ये मैंने x3 लिख दिया, तो ये इक्वल टू होता है x3 के। और x3 हमारे पास देख सकते हैं पुरानी कोई स्टेट नहीं थी, इसलिए इसको न्यू नेम दिया z5 का। अब न्यू स्टेट आई है, इसको हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ये ले हमने इसको यहाँ पर ऐड कर लिया, ठीक है। अच्छा अब आते हैं x1 से हम b को रीड करते हैं, क्या आता है, x1 से b को रीड किया, x1 आ गया एक, और x1 से b को रीड करें तो x2 आ गया, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, x1 और x2, ठीक है। उसके बाद x2 से हम b को रीड करते हैं तो क्या आएगा, x2 से b को रीड किया तो एक x3 आ रहा है, और एक x2 से b को रीड करें तो x1 आता है, तो क्या आता है, x3 और x1, x1 तो देखें पहले से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फर्दर हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, x3 को, ठीक है। अच्छा लास्ट हमारे पास x3 रह गया, x3 से हम b को रीड करते हैं तो क्या आता है, ये x3 था, b को रीड किया और x3 ही आ गया है, x3 देखें पहले का लिखा हुआ है यहाँ पर, इसलिए उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, तो ये हमारा बन गया। अब देख सकते हैं x1, x2 और x3 यहाँ पर है, फर्स्ट पर नहीं, सेकंड पर भी नहीं है, थर्ड पर नहीं है, फोर्थ पर है, और इसका नाम क्या है, z4, इसलिए इसको मैंने न्यू नेम नहीं दिया, z4 ही इसको नाम दिए, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं x3 से हमने a को रीड करना है तो क्या आता है, ये मेरा x3 था, इससे a को रीड किया तो x3 ही आ जाएगा,
ठीक है। और ये x3 पहले का नाम है इसका, ओल्ड स्टेट है, इसलिए मैंने इसको z6 का नाम नहीं दिया, z5 का नाम दिए। इसी तरह हम x3 से b को रीड करते हैं, ये x3 था, b को रीड किया, x3 पर ही आ गए हैं, तो क्या आ जाएगा, x3 दोबारा आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने x3 का नाम दे दिया, ठीक है। ये z5 हो गया हमारी स्टेट। तो ये तो था हमारा ट्रांजिशन टेबल। अब इसमें रह क्या गया है कि इसमें हमने इनिशियल और फाइनल स्टेट को देखना है। इनिशियल स्टेट तो आपको पता है कौन सी होती है, जहाँ से मशीन स्टार्ट होती है, x1, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये x1 को अपनी इनिशियल स्टेट बना दिया। और फाइनल स्टेट आपने इसकी कैसे देखनी है, देखें आपके डायग्राम में फाइनल स्टेट कौन सी थी, z3। तो ट्रांजिशन टेबल में इन ओल्ड स्टेट्स के कॉलम में जहाँ पर x3 आ रहा होगा, आपने उसको फाइनल बना देना है। फर्स्ट में देखते हैं x3 नहीं था, सेकंड में नहीं है, इसमें भी x3 नहीं है, इसमें x3 है, तो ये हमारी फाइनल स्टेट होगी। और इसमें देखें x3 है, तो कौन सी हमारी, ये दोनों हमारी फाइनल स्टेट्स होंगी। तो आप देख सकते हैं इसके साथ भी मैंने प्लस डाल दी है और इसके साथ भी प्लस डाल दी है, क्योंकि प्लस फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये तो था हमारा ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल का आपको मैंने बताया था कि ये पूरी मशीन को डिस्क्राइब करता है। तो ये देखें, ये हमारे पास पूरी मशीन थी, NFA बना हुआ था, और ये उसको बता रहा है कि इसके अंदर ये वाली स्टेट्स थी, ये इसकी इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, तो ये पूरा उसको डिस्क्राइब करता है। इसको कहते हैं ट्रांजिशन टेबल। अब हमने आते हैं अपने स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में हमने क्या करना है, इस टेबल से अपना DFA बना लेना है। तो सबसे पहले आपने क्या, अब हमारा काम जेड वाली स्टेट से है DFA बनाने के लिए। काउंट कर कितनी स्टेट्स हैं आपके पास, 5। सबसे पहले आपने 5 सर्कल्स बना लेने हैं। तो ये देख सकते हैं हमने 5 सर्कल्स बना लिए हैं, ठीक है। और इसके अंदर अब हमने नाम लिखने हैं स्टेट्स के, ठीक है। तो हमने ये स्टेट्स के हमने नेम्स लिख लिए हैं Z5 तक, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कौन सी इनिशियल थी। तो Z1 इनिशियल स्टेट है, तो हम क्या करेंगे, तो ये इनिशियल स्टेट हमने Z1 को बना दिया। फाइनल कौन कौन सी थी, Z4 और Z5, तो ये हमने Z4 और Z5 को फाइनल स्टेट बना दिया। अब हमने इनकी लाइंस को जोड़ना है। सबसे पहले देखें Z1 से A को रीड करें तो Z2 पर जा रहा है, तो ये हमने Z1 से Z2 तक एक एरो बना दिया और A को रीड करते हुए, ठीक है। अब Z1 से B को रीड करते हुए Z3 पर जा रहे हैं, ये Z1 था और ये Z3 है, तो ये हमने एरो बना दिया Z1 से Z3 तक और B को रीड करते हुए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं Z2 से, Z2 से A को रीड करें या B को रीड करें, देखें Z2 पर ही आ रहा है, तो हमें Z2 पे इसका मतलब एक लूप बनाना पड़ेगा। तो ये हमने Z2 पर A और B का लूप बना दिया। अब आते हैं Z3 पर, Z3 से A को रीड करें तो Z2 पर जाना है, ठीक है। तो ये मैंने एक एरो बना दिया, Z3 से A को रीड करेगा Z2 पर। अच्छा, Z3 से B को रीड करें तो Z4 पर आ रहा है, तो ये Z3 है और ये Z4 है, तो ये मैंने बना दिया Z3 से Z4 पर B को रीड करते हुए, ठीक है। अब आते हैं Z4 की तरफ, Z4 से A को रीड करें तो Z5 पर आ रहा है, ये Z4 है और ये Z5 है, तो ये Z4 से हमने A को रीड किया, Z5 पर आ गए, ये Z4 था। अब B को रीड करेंगे और Z4 पर ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब है Z4 पर एक लूप लगेगा B का। ये हमने Z4 पर B का लूप लगा लिया। अब आते हैं Z5 पर, Z5 से आप देख सकते हैं A को रीड करें तो Z5 पर ही आता है, B को रीड करें तब भी Z5 पर ही आता है। इसका क्या मतलब है कि Z5 पर A और B दोनों का लूप लगेगा। तो ये हमने Z5 पर A और B दोनों का लूप लगा लिया। अब आप देख सकते हैं कि DFA की क्या निशानी होती है कि हर स्टेट पर दो एरोज़ होने चाहिए, ठीक है। तो हर स्टेट पर इससे भी Z2 से A और B दोनों के एरो निकल रहे हैं, Z1 से A का ये निकल रहा है, B का ये निकल